हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग मंडे के सेशन में ट्रेड करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फ्राइडे के सेशन में आपको डॉ फ्यूचर्स में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। मोर देन 3% का गिरावट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी वजह से उसका इफेक्ट जो है मंडे के सेशन में एशियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है मंडे को गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और गैप डाउन भी आपको बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। मोर देन 150 to 200 पॉइंट के अराउंड जो है आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। क्लियरली आपको SGX निफ्टी जब मंडे के सुबह में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, एशियन मार्केट में किस टाइप का रिएक्शन होता है उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे क्लियरली बोल पाना पॉसिबल है, या फिर एग्जैक्टली मार्केट कहाँ खुलता है वो मार्केट को ही पता है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे गैप डाउन तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो इसलिए एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा, कभी भी अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता है, आपके पास अगर ओवरनाइट शॉर्ट का पोजिशन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने का कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट एक अच्छा फॉल हो चुका है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो फिर वहाँ से जो है आपको रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, या फिर जो है आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट आपको पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री करना है। इमीडिएटली जो है वहाँ पर आप सेल करने के लिए मत जाना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो। तो चलिए अब इसी के साथ जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको TCS। TCS के चार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे आपको थर्सडे के सेशन में भी डिस्कशन किया था। फ्राइडे के सेशन के लिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने वाले थे, बट यहाँ पे अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद काफ़ी टाइम ऊपर जाने का जरूर कोशिश किया, बट फाइनली जो है स्टॉक नीचे की साइड ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब अगर इस दो कैंडल को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो स्टॉक में एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है। स्टॉक एक अच्छे यहाँ पे जो है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपको ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे जो है आपको इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको मदर कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे इमीडिएटली हम लोगों को एक अच्छा जो है यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसका लो है आपको 3214.75 का। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे 3214.7 के नीचे। अब गैप डाउन ओपन होगा तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे ही ये स्टॉक ओपन होने वाला है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। आप यहाँ पे पुलबैक का वेट कर सकते हो, जो इस स्टॉक में जो अगर पुलबैक आएगा, पुलबैक के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। हम लोगों का सेलिंग जोन जो है वो आपको होने वाला है 3214.7 से 3237, इस रेंज में हम लोग कहीं पर भी सेल ऑफ कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है। अगर इस लेवल में आता है तो फिर जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर स्टॉक में यहाँ पे आपको स्लो एंड स्टडी एक अच्छा अप मूव देखने को मिलता है, और उसके बाद स्टॉक इस लेवल पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करने के लिए देखेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा आपको 3237 का। यहाँ पर क्लियरली जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 22 पॉइंट का। हम लोगों का यहाँ पर टारगेट जो है 1:2 का रहेगा। तो पहला टारगेट आपका 22 पॉइंट का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 44 पॉइंट का रहेगा आपके एंट्री पॉइंट से। सेकंड स्टॉक की अगर बात करें, सेकंड स्टॉक है इंफोसिस। अगेन आईटी सेक्टर का स्टॉक है, और इस स्टॉक में भी सेम पैटर्न का यहां पे फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे भी अगर देखेंगे तो क्लियरली एक जो है इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इस स्टॉक में भी एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, साथ ही साथ इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको लो ब्रेक होगा मदर कैंडल का, इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो इस स्टॉक का जो है आपको लो होने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग मदर कैंडल का लो देखेंगे तो वो है आपको 1513.95। तो 1513.9 के नीचे हम लोग इस स्टॉक को जो है यहाँ पे आपको सेल करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1526 का। तो
तो इस रेंज में जो है हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का 1:2 का रहेगा, तो आप इस जोन में जो है कहीं पे भी सेल करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1:5:6 का रहेगा, टारगेट आपका 1:2 का होने वाला है। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है एशियन पेंट। अगर डेली चार्ट में हम लोग एशियन पेंट को देखेंगे तो एशियन पेंट में बहुत ही जबरदस्त जो है आपको नीचे की साइड से एक अच्छा अपमूव हम लोगों को देखने को मिला था। इतने अच्छे अपमूव के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस लेवल को हिट करेगा, जो कि एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है एक सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है फ्रेश सेलर्स भी यहाँ पे आपको ट्रिगर होंगे। बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, वापस से यहाँ पे बायर्स ऊपर ले जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे ले नहीं जा पाए। उसके बाद अगर देखेंगे इसने पहले आपको यहाँ पे क्लियरली एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली अगर देखेंगे फ्राइडे के सेशन में एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। प्रीवियस 3 कैंडल के लो के नीचे ही जो है आपको यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो प्रीवियस 3 कैंडल के लो के नीचे आपको क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में भी एक अच्छा गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही यहाँ पे जो है इस स्विंग के नीचे निकलेगा। जैसे ही आपको 3300 के नीचे निकलता है यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे के सेशन में इस लेवल के नीचे ही आपको ओपन होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको जो है पुल बैक का वेट करना है। जैसे ही पुल बैक के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है आप यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक को सेल कर सकते हैं। 3300 के लेवल के नीचे जो है आपको यहाँ पे सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए 3325 का, तो 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट जो है वो आपका 1:2 का होने वाला है, तो 3275 और 3250 इस दो टारगेट के लिए जो है हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को ट्रेड करने वाले हैं। फोर्थ स्टॉक की अगर बात करें तो फोर्थ स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। डेली चार्ट में अगर देखेंगे प्रीवियस 3 कैंडल से स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था। फ्राइडे के सेशन में अपर वीक रिजेक्शन हम लोगों को यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिला। अगर इस लेवल को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल जो है एक रेसिस्टेंस का लेवल है और कंटिन्यूसली प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेंडिंग था, तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर एक बार के लिए वापस से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 400 के लेवल के नीचे निकलते ही इमीडिएटली हम लोग जो है यहाँ पे आपको सेल करेंगे। तो 400 के नीचे हम लोग यहाँ पे आपको सेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस जो है वो हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है 403.7 का, तो यहाँ पे 3.70 का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका 1:2 का होने वाला है, तो पहला टारगेट आपका 4 रुपीज का होने वाला है, दूसरा टारगेट आपका 8 रुपीज का होने वाला है। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट स्टॉक है आपको मदरसन सुमी। मदरसन सुमी की अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में यहाँ पे जो है मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ऊपर के लेवल से देखेंगे क्लियरली सेलिंग प्रेशर आया था, वापस से अगेन स्टॉक रिकवर किया, अगेन यहाँ पे सेलर्स आए, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सडन फॉल हुआ। उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपको इस तीनों कैंडल के लो के नीचे आपको निकलता है, यहाँ पे जो है एक अच्छा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इस स्टॉक को जो है यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक को शॉर्ट करना है 124.2 के नीचे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 124.2 के नीचे हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे आपको शॉर्ट करने वाले हैं। हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 125.7 का, तो 1.5 रुपीज का हम लोगों का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का 1:2 का रहेगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट होने वाला है। 120-121 के लेवल पे जो है इजीली हम लोग अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, आपको लेवल्स नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जो है इमीडिएट जंप मत करना, आप थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको पुल बैक पे जरूर एंट्री मिल जाएगा। आपको स्टॉक्स पता है, ये सभी स्टॉक्स को आपको शॉर्ट करना है, फिर आपको वहाँ पे पुल बैक के बाद एक अच्छा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने लेवल्स को नहीं नोट डाउन किया है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा लेवल्स, तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।